आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। उत्तर प्रदेश में बहराइच की हरदी इलाके में रविवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन यात्रा के दौरान कुछ युवकों ने पथराव किया और 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग की। इसमें दो युवकों को गोली लगी है। इनमें से एक युवक की मौत हो गई है, दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। सोमवार सुबह पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। डॉक्टरों के अनुसार गोली के अलावा चाकू के भी निशान बॉडी पर मिले हैं। परिजन शव लेकर घर पहुंचे तो 5 से 6 हजार लोग वहां पर मौजूद थे। लोगों ने 5 किलोमीटर लंबी शव यात्रा निकाली। गांव में एक बटालियन पीएसी, 5 थानों की पुलिस तैनात की गई है। इसके अलावा पड़ोसी जनपद से पुलिस फोर्स बुलाई गई है। ग्रामीण और परिजन शव लेकर महसी तहसील के चौराहे पर पहुंचे। शव को रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। मृतक की पहचान रामगोपाल मिश्रा 22 के रूप में हुई है। 4 महीने पहले ही शादी हुई थी। घायल होने वाले का नाम राजन, जिसकी उम्र 25 साल है। युवक की मौत के बाद लोग आक्रोशित हो गए, तोड़फोड़ शुरू कर दी। बहराई सीतापुर हाईवे पर जाम लगा दिया गया। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स और पीएसी पहुंची। हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया गया। पुलिस ने 6 नामजद और 4 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर दोनों पक्षों से 25 लोगों को हिरासत में लिया है। गुस्साए लोगों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसमें भाजपा विधायक भी शामिल हुए। रात करीब 11 बजे पुलिस ने प्रतिमा का जबरन विसर्जन शुरू करवाया तो लोग भड़क गए। पुलिस ने दोबारा लाठीचार्ज किया।